हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब कैसे हैं। राधे राधे, जय माता की। तो आज हमारे यहाँ है गृह प्रवेश माता रानी और बजरंग बली का। तो यहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग के यहाँ है पूजा वगैरह चल रही है। तो यहाँ पे सारी देखिए सारा सामान हो गया इकट्ठा और जब जा रहे माता रानी को बस स्नान वगैरह सब चीज़ से, पंचामृत है और दही है और गंगा जल शहद इस सब से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद में इनको वस्त्र पहना के इनको स्थापना होगी इनकी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आषाढ़ का महीना चल रहा है और यहाँ पे गुप्त नवरात्रि भी चल रही। इस महीने में गुप्त नवरात्रि आती है हर साल। तो साल में कहते हैं कि तीन नवरात्र पड़ते हैं, चैत और कुंवार का, और ये है गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ में पड़ता है। तो माता रानी का स्थापना करवानी थी हम लोग को, तो यहाँ पे इससे अच्छा दिन और कौन सा हो सकता था। तो हम लोग ने सोचा कि चलो इस महीने में बहुत अच्छा दिन चल रहा है, गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, ये माता रानी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा गृह प्रवेश के लिए। तो हम लोग ने इसमें गृह प्रवेश किया माता रानी का। इसके बाद भगवती को घी से स्नान कराएं। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसन्नाम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शर्करा से स्नान कराएं। ओम इक्षुसार समुद्भूताम शर्कराम पुष्पिताम शुभाम परापहारिकाम दिव्याम स्नानार्थम प्रतिगृहीताम। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराए। ओम पयोदधिकृतं चैव मधुरच शर्करान्वितं पञ्चामृतं मयानीतं श्रितं सलिलं देवदेवेशि शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। गंगोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद गंगोदक स्नान कराएंगे। ओम शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगा जलसमं स्मृतं समर्पितं मयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री दुर्गादेव्यै नमः। जगदम्बायै नमः। कुसुमालां समर्पयामि। इसके बाद गुलालादि अर्पण करें। ॐ अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वरि। श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। इसके बाद सौभाग्यपेटी अर्पण करें। ॐ हरिद्रां कुमकुमं चैव सिन्दूरादेशमन्वितां सौभाग्यपेटिकामेतां गृहाण परमेश्वरि। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। सौभाग्यपेटिकां समर्पयामि। धूपार्पण करें। ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धौत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीपकार्पण करें। ॐ साज्यं च वर्ते संयुक्तं वह्नियायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दीपं प्रज्वलयामि। भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। ॐ शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारार्थं भक्ष्यभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीय आदि नैवेद्यान्ते ध्यानमाचमनीयं दृजलमुत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पणम् अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वरे। श्रीजगदम् आराधिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदा भव। श्रीजगदम्बाय दुर्गादेव।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और माता रानी की स्थापना वगैरह हो गई है और यहाँ पे भोग वगैरह भी लग गया है। तो ये जो दिन चल रहे हैं आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि जो चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा दिन चल रहा है। पंडित जी ने बताया अगर किसी माता रानी या आप किसी भी भगवान की आपको स्थापना करवानी है तो ये बहुत अच्छे दिन हैं, इसमें आप अपने किसी भी भगवान की स्थापना करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छे विधि विधान से पंडित जी ने ये पूजा कराई है। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूले जिससे कि मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूप।